जय कृष्ण जय माता जी की। आज हम बनाएंगे अड़द दर और चावल का एकदम नया नाश्ता, बहुत ही बढ़िया। तवा इडली बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया। तो आप देख सकते हो, हमने एक कटोरी चावल लिया था, आधी कटोरी दाल लिया था, रात को भिगा दिया था, अच्छे से भीग के रेडी हो गया है। दो पानी से वॉश कर लिया और मिक्सर के जग के अंदर क्रश कर लेंगे। बाद में 5 घंटे तक रख देंगे, बाद में आधा आ जाए थोड़ा, इसके बाद हम बनाएंगे तवा इडली। ये मिक्सर का जार लिया है, इसके अंदर डाल रहे हैं हम, थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से क्रश कर लेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे, बहुत ही बढ़िया पीस के रेडी कर दिया है। हमें ऐसा थोड़ा दर दर रखना है और एक डब्बे के अंदर डाल देंगे और 5 घंटे के लिए आधा आने देंगे। सारा हम इसे क्रश कर लेंगे। धूप में रख देंगे, करेंगे बंद। बहुत ही बढ़िया आधा के रेडी हो गया है, अच्छे से हिला देंगे। इडली बनाओ, डोसा बनाओ, मेरा तो बहुत ही बढ़िया रेडी हो चुका है। एक थोड़ा सा अलग लेंगे, आटा बहुत ही बढ़िया से रेडी किया है, तो हमें कोई सोडा वगैरह नहीं डालेंगे। अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डालेंगे 1 चम्मच, थोड़ा सा धनिया जीरा, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अच्छे से मिला देंगे। हम बनाएंगे तवा इडली। हमने तवा लिया है, तवा गरम हो गया है, हमें इतनी छोटी छोटी इडली बनानी है। ये इडली हम टिफिन के लिए बना रहे हैं, आप बड़ा बनाना चाहते हो तो भी बना सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगी। हम डालेंगे देसी प्योर घी, अच्छे से हिला देना है। दो मिनट के करीब पकने देंगे। उल्टा देंगे हम पूरे, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी प्यारी बन गई है और टिफिन के अंदर परफेक्ट रहेगी। थोड़ा सा घी और डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। टोटल 5 से 7 मिनट के अंदर पक जाती है टिफिन की इडली, रेडी हो गई है। हम इसके अंदर ले लेंगे बढ़िया सी प्यारी सी चटनी और दाल के साथ सर्व करेंगे। नारियल की चटनी साथ में इडली। इडली तो आपने खाई होगी लेकिन एकदम फटाफट रेडी हो जाती है, एक बार जरूर से ट्राई कीजिए। साथ में बहुत ही बढ़िया दाल सांभर वाली, बहुत ही बढ़िया इडली दाल और चटनी रेडी हो गई है। टिफिन के लिए खाओ, बिना टिफिन के खाओ, लेकिन एक बार जरूर से बनाना। मित्रों हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।